यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ प्ले स्टोर और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मोजो लाइट। मोजो लाइट सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये पेंडिंग दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं नेट ऑन है लेकिन ऐप इंस्टॉल करने पर ये पेंडिंग दिखाई दे रहा है और मैं यहाँ पे वेट करते रह जाऊँगा, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आपके भी स्मार्टफोन में इसी तरह से दिखाई दे रहा है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखते रहना है ताकि स्टोर का जो पेंडिंग वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया कि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पर पेंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। अगर आपके भी स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पर पेंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पर पेंडिंग का प्रॉब्लम क्यों आता है और उसे कैसे सही करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले तो आपको अपने स्मार्टफोन का डेटा ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन करना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऐप एंड डिवाइस, ठीक है, और यहाँ पे अपडेट अवेलेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो होगा ना ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होगा, ठीक है, तो इसको बंद करना पड़ेगा तभी पेंडिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और भी कुछ ऑप्शन है, चलिए सीखते हैं कि कैसे बंद करेंगे। तो यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नेटवर्क प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपके स्मार्टफोन में जो होगा ओवर वाईफाई ओनली होगा या आस्क मी एवरी टाइम होगा, तो आपको करना क्या है ओवर एनी नेटवर्क पे सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है ऑटो अपडेट ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर ओवर वाईफाई ओनली होगा या ओवर एनी नेटवर्क होगा जैसे इस तरह से, ठीक है, तो आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ऑटो प्ले वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर वाले दोनों ऑप्शन में से किसी पर भी होगा तो डोंट ऑटो प्ले वीडियो पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा सेटिंग हो गया है। अब जो प्ले स्टोर में ऐप इंस्टॉल करने पर पेंडिंग वाला प्रॉब्लम आता था वो अब आपके सामने नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्ले स्टोर में पेंडिंग का प्रॉब्लम क्यों आता है और उसे कैसे सही करते हैं। अगर आपको किसी और ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चल जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहें।